आज हम लोग जानेंगे एक फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, जो कि एक ब्रिज डायोड भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक ब्रिज डायोड के अंदर चार नॉर्मल डायोड फैब्रिकेट रहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक पिन माइनस होगा, एक प्लस होगा और दो एसी इनपुट रहेगा। ये एसएमडी भी टाइप का भी आता है। शावाद, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो, और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि रेक्टिफायर डायोड यानी कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर डायोड को किस तरीके से चेक किया जाए। दोस्तों, यह दो तरीके का होता है, एक हाफ वेव और एक फुल वेव। और इसका मेन काम होता है हमारी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और ये अधिकतर सभी तरह की पावर सप्लाई में लगा हुआ होता है। तो आज मैं आपको इसी को दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से बड़ी आसानी से चेक किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जो आपने स्क्रीन पर रेक्टिफायर डायोड देख रहे हैं, वह दोनों सही हैं। तो दोस्तों, जैसे कि डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि यह एक तरफ से करंट को पास करता है और दूसरी तरफ से करंट को पास नहीं करता, केवल उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम यह चेक कर सकते हैं कि कोई रेक्टिफायर डायोड सही है नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले अपने मीटर को डायोड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करेंगे और उसके बाद इसकी किसी भी दो पिन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी को मेजर करेंगे। तो इसमें एक तरफ से रीडिंग शो होगी और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग शो नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों हम चारों पिनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे कि पहली दूसरी पर चेक करेंगे, पहली तीसरी पर चेक करेंगे, पहली चौथी पर, दूसरी तीसरी, दूसरी चौथी और तीसरी चौथी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम अपनी रेक्टिफायर डायोड की पिनों पर कॉन्टिन्यूटी को मेजर करेंगे, और इन सभी पिनों पर दोस्तों एक तरफ से रीडिंग आएगी और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग नहीं आएगी। अगर ये सभी पिन पर इसी तरह से रीडिंग दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका रेक्टिफायर डायोड बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये जो दोनों रेक्टिफायर डायोड अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों खराब हैं, और आप देखें कि किस तरीके से खराब हैं, इसकी कौन कौन सी पिन खराब है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर, मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, तो